तो चलो जी, माँ बाप के साथ आज रेसिपी शेयर करने वाली कोरमे की, जो बहुत ज़्यादा इजी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कुछ इस तरीके से हमारा पेस्ट हो जाएगा, बस ये मोटा मोटा ना हो, बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए। और जितने मसाले हैं सारे अम्मी जी इसके अंदर डाल रही हैं, और ऐसे ही आप लोग भी करना, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका कोरमा बन के आएगा। हमारी जो प्याज है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अम्मी सारा इसके अंदर आप डाल देंगी अपने कोरमे के अंदर। ये केवड़ा ऐड करने के लिए, हमारा जो कोरमा है कितना थिक हो चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। हाय जानो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली व्लॉग। सुन मैं हूँ आप सबकी प्यारी कराई, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप लोग हो ही यार, बता अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से और अल्लाह के शुक्र से रिकवर कर रही हूँ मैं धीरे 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 करके, एंड मेरा नेक भी यहाँ पे धीरे धीरे करके ठीक होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यार आज ना अम्मी जी बना रही हैं कोरमा, टेस्टी यार बहुत ही अम्मी बनाती हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ। तो आप लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि अपनी अम्मी जी की रेसिपी शेयर करो कोरमे की, बट मैं कभी कर नहीं पा रही थी, तो आज अम्मी जी बना भी रही है तो मैंने सोचा क्यों ना चलो कर ही लेते हैं। आज हमारे घर पे कोई आ भी रहा है तो इससे अच्छा बेस्ट मौका क्या हो सकता है। तो चलो जी, माँ बाप के साथ आज रेसिपी शेयर करने वाली कोरमे की, जो बहुत ज़्यादा इजी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सो यस, ऐसी कंटिन्यू बने रहना, आगे आपको रेसिपी ही देखने को मिलेगी, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार रेसिपी शेयर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ना हमें यहाँ पे एक पेस्ट रेडी करना है, तो उसमें हमें यहाँ पे लेना है ये लहसुन, हमने पूरा एक पूरा लहसुन का जो होता है वो लिया है, और एक इतना हमने ये अदरक लिया है, और ये क्या है हमें ये दालचीनी लिया सिर्फ और सिर्फ इतनी सी, और ये जायफल लिया है इतना, और जीरा लिया है ये सब कितना होगा मैं एक चम्मच, एक चम्मच ये जीरा है, और ये क्या होता है काली मिर्च और लौंग, ये काली मिर्च हमने ली है, और लौंग भी हमने ये चार लौंग ली है। तो हम इसको ना सब अभी जार में डाल लें क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है, सब हम इसके जार के अंदर ऐड कर लेंगे जितना भी हमारा सारा सामान है। और इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ये देख सकते हो हमें अभी इतना पानी ऐड करना है, अब इसको हम अच्छे से पीस रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है अदरक लहसुन का, कुछ इस तरीके से हमारा पेस्ट हो जाएगा, बस ये मोटा मोटा ना हो, बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए। सो गाइज, ये है हमारा यहाँ पे चिकन, ये हमने लिया है आधी किलो, और 250 ग्राम हमने यहाँ दही ली है। तो अभी जी अम्मी देखो क्या क्या करती हैं इसके साथ, मुझे नहीं पता। इस तरह अम्मी दही को फैट रही हैं, ये हमारी क्रीमी क्रीमी हो जाएगी। अम्मी जी ने यहाँ पे 1.5 चम्मच ये लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, और ये आधा चम्मच, आधे से भी कम ही अम्मी जी यहाँ पे ले रही हैं हल्दी, और यहाँ पे धनिया आप देख सकते हो कितना सारा अम्मी जी ले रही है, पूरा 1 चम्मच ले रही हैं, पूरा 2 चम्मच अम्मी जी ने यहाँ पे धनिया लिया है। अम्मी जी ने ये काली मिर्च ली है, लौंग लिया है, ये बड़ी इलायची भी ली है अम्मी जी ने, तो इतनी 2 इलायची लेनी है, ये 3-4 आपको लौंग लेनी है, ये काली वाली मिर्च लेनी है 3-4, और ये है हमारा नमक पूरा 1 चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा अम्मी जी ने लिया है यहाँ पे। अम्मी जी ने यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की ना 4 प्याज ली है, और इसको अम्मी जी यहाँ फ्राई करेंगे, अभी हमारा ऑयल ना गर्म हो रहा है, जैसे गर्म हो जाएगा इसको अम्मी जी फ्राई करने के लिए रख देंगी। सारा जितना भी हमारा चिकन है एक इसमें भगोने में डाल लेंगी अच्छे से, और जितने मसाले हैं सारे अम्मी जी इसके अंदर डाल रही हैं, और दही भी अम्मी जी इसके अंदर सारी ऐड कर लेंगी, और अम्मी जी थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करनी है, और जो हमारा पेस्ट था ना गाइस वो भी इसके अंदर हमें ऐड करना है, जितना है सारा पेस्ट इसके अंदर डाल लेना है, और ऐसे ही आप लोग भी करना, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका कोरमा बन के आएगा। तो गाइस, हल्की आंच पे ना हमने अभी यहाँ पे अपना ये चिकन रख दिया है जो हमने इसके अंदर सब कुछ डाला है, जब तक हमारी यहाँ पे ना प्याज होगी, उसके बाद हमें जिसका ऑयल बचेगा ना वो हमें इसके अंदर ऐड करना है, तो थोड़ी सी देर तक तो लगेगी इसको होने में, एंड हमें जितना भी हमारी प्याज वगैरह सब इसके अंदर अब हम डाल लेंगे। हमें ना इसको ना गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ना होता है, तो जब तक ये होती है उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे 10-15 मिनट में हमारी जो प्याज है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी अभी जस्ट निकाली है, एंड बहुत क्रंची लगती है, और मुझे ऐसे खाने में ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब तक हमारी प्याज हुई है आप देख सकते हो हमारा गोश्त भी कैसा हो चुका है, इसने पानी छोड़ दिया है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है, और जो हमारा प्याज का तेल बचा था जैसे मैंने आपको बताया वो हमें सारा इसके अंदर आप डाल देंगी, बहुत ही आराम से करना है गाइस, ये ध्यान से, बहुत हाथ वाथ जल जाता है इन सब चीज़ों से। और गाइस, ऐसे ही अपनी हल्की फ्लेम पे करके ना हमें आधे घंटे तक कम से कम इसको रखना है गोश्त को, जब तक हमारा ये चिकन गल नहीं जाता तब तक हमें आधे घंटे तक इसको रखना है, अगर आधे घंटे में गल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं गलता तो उसके बाद हमें और रखना पड़ेगा, तब इसको ढक के हम ऐसे छोड़ देते हैं, आधे घंटे तक तो हमें रखना ही रखना है।
एंड गाइज हमें ना 15-20 मिनट और इस प्याज को अब ठंडा होने के लिए रखना है। ये हमारी प्याज अभी गर्म है ना, तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके साथ भी हमें कुछ और करना है। सो गाइज यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इसको पीसने के लिए। हमें ना ज़्यादा देर तक इसको नहीं चलाना, हमें मतलब बिल्कुल इसका पूरा प्रॉपर पेस्ट नहीं बनाना है, हमें थोड़ा ना इसको मोटा मोटा सा रखना है। आप देख सकते हो हमें ना पूरा इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा मोटा भी रखना है। तो हमें जो ये हमारी प्याज है ना, हमें इसको ऐड करनी है कोरमे के अंदर, बट वो जब पूरा रेडी हो जाएगा ना आधे घंटे बाद, तब हम सब पहले देखेंगे गोश्त हमारा गला या निगला। अगर वो हो जाएगा तो तब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो तब तक जो हमारा, हम आपको पूरा आधा घंटे बाद मिलेंगे। तो यार गाइज यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो चुका है, एंड ये देख सकते हो हमारा पूरा गोशा गल भी चुका है। तो अब आधा घंटा तक हमारा गोश गल चुका है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पेस्ट था प्याज का, वो हमें अब इसके अंदर ऐड करना है, हमारे कोरमे के अंदर जितना भी है हमें सारा इसके अंदर डालना है। एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमने सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। सो गाइज अभी ना हमें इससे कितना अम्मी 5-10 मिनट हमें अभी इसको और छोड़ना है, जब तक इसमें थोड़ा सा खद्दे भी आ जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा है ना, आप 10 या 5 मिनट बाद आओगे ना तो ये आपको ना बिल्कुल थिक मिलेगा, और कोरमा हमारा थिक ही होता है। ये देखो हमारा ये मसाला है। तो चलो अब हम आपको 10-15 मिनट बाद मिलते हैं। ओके जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो गाइज अब हम जा रहे हैं अपने कोरमे के अंदर ये केवड़ा ऐड करने के लिए। इससे ना टेस्ट और जो ये होता है ना, इसका खुशबू वगैरह और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो हमें ना आधा ढक्कन ही डालना है जो इसके साथ आता है, और इसको हम यहाँ पे अच्छे से चला लेंगे। अब एंड देख सकते हो हमारा जो कोरमा है कितना थिक हो चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने। ये है हमारा दानेदार कोरमा, एंड बोटी वगैरह सब कुछ इतनी गल चुके ना, बहुत टेस्टी गाइस, देख सकते हो आप सब। तो यार गाइस जैसा आप देख सकते हो हमारा यहाँ कोरमा रेडी हो चुका है, तो जल्दी से ना हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। कोरमा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी और कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। पता है खुशबू कितनी ज़्यादा टेस्टी आ रही है ना, इस टाइम पे मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप देख सकते हो उसकी एक एक चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। सो जैसा आप लोगों को पता है हमारा ये कोरमा रेडी हो चुका है, जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा लाजवाब आ रही है, और मुझे अब लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख, और हमारे घर पर गेस्ट भी आया है। तो चलो जल्दी से पहले हम इसको खाने के लिए चलते हैं, खाने के बाद बता दें कि क्या टेस्ट आ रहा है। खुशबू वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, तो खा के बताते हैं कि खा के टेस्ट में कैसा लग रहा है। तो चलो यार पहले खाने के लिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और हमारे घर पे गेस्ट अर्शी आई थी, वो सरप्राइज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, वो क्यों घर पे आई है। तो यहाँ पे अब मैं टेस्ट करने जा रही हूँ कोरमा, जो देखने में तो था ही यार, खाने में भी क्या लाजवाब था। फर्स्ट बाइट जैसे मैंने ली है ना, वैसे ही मेरे मुँह में ब्लास्ट हो गया कोरमे के टेस्ट का, वो मज़ा ही आ गया सच में ना। सच में गाइस इतना टेस्टी हो रहा है ना इस टाइम पे कोरमा, ऐसा लग रहा है जैसे शादी वाला होता है ना, सेम डिटो कॉपी वही लग रहा है, इतना टेस्टी स्वाद आ रहा है। डैडी का कहने का मतलब है बेइज्जती मत करो, शादी वाला ही तो है, शादी जैसा नहीं है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, जैसे खा के ना फिर खुश हो गया, बहुत ज़्यादा शादी में भी ना ऐसे ही सेम बनता है, मेरा कहने का मतलब वही था। तो चलो ना खाना खाने के पूरा बाद मिलेंगे, फिर बताता हूँ कैसे 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 यार बहुत टेस्टी है। सो यार जानो हमने खाना वगैरह भी खा लिया, जो इतना टेस्टी कोरमा बना था ना भाई, सच में अगर आप लोग होते ना मैं आप लोगों को खिलाती ना, जितनी तारीफ मैं कर रहा हूँ ना उतनी तारीफ आप उससे डबल भी करते, क्योंकि इतना टेस्टी बनाती हैं अम्मी जी, बिल्कुल प्रॉपर शादी वाला, शादी में भी सेम ऐसे मिलता है, मतलब खाने को मिलता है, और अम्मी जी भी ऐसे ही बनाती है, तो मज़ा आ गया यार।
तो बस मैं इस व्लॉग को भी यहीं एंड करने के लिए जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो और बहुत अच्छे से समझ आई हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। अब जैसा आप लोगों को पता है रमज़ान भी आने वाले हैं, तो रमज़ानों में भी वैसे भी पता है टेस्टी टेस्टी खाना खाने का बहुत दिल करते हैं, तो आप इस रेसिपी को अपने रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपने ट्राई करा हो, इसको खाया हो बना के, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और आगे आप लोगों को और भी रेसिपी देखने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना कि आप लोगों को क्या क्या रेसिपी देखनी है, रमज़ान के लिए क्या क्या रेसिपी देखना चाहते हो, अम्मी जी की रेसिपीज़, तो मुझे कमेंट में आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करने के लिए जा रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करेगा। और इंशाल्लाह जल्दी ही जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। अब तो रमज़ानों के व्लॉग भी आने ही वाले हैं, दिन बहुत करीब है यार। तो चलो फिर हम मिलेंगे जल्दी से बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। ओके बाय, लव यू ऑल, लव यू, बाय बाय। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जरूर ट्राई करना, बाय बाय।